प्रोजेक्ट है, ओम साई फिल्म प्रोडक्शन है अपना, और फिल्म का नाम है प्रेम धर्म। इसके गाना 6 हो चुके हैं पूरे, दिलीप सेन दादा ने करे। और इसमें जो है हीरो हीरोइन जो है वो मैंने नए कलाकार लिए हैं जो कि उसमें काम कर चुके हैं, और बाकी जो कलाकार हैं चर्चित हैं, रमेश गोयल जी हैं, हेमंत बिरजे जी हैं, राज मल्होत्रा जी हैं, दीपक वर्मा जी हैं, तो और हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजीव त्रिगुणा जी। किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है? इसके लिए ये दिखा रहे हैं ये कि देहात गांव क्षेत्र में क्या होता है, जातिवाद ज्यादा चलती है क्योंकि आज भी चलता है, क्योंकि अगर देख लें कि ये अगर जाटम है या कुछ भी है तो लोग पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ये छुआछूत खत्म करने के लिए थोड़ा ये फिल्म मैं बना रहा हूँ ताकि आदमी देखे और समझे, किसी का वो नहीं करना चाहिए आदमी को। सर आपने चाहूंगा कि क्या सर थोड़ा इधर देखिए प्लीज, सर क्या किरदार निभा रहे हैं और क्या कहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? सर जी हाँ सर, तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राज मल्होत्रा है और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, और एक्चुअली मेरी मुलाकात जो है दिलीप सिंह जो है म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने मेरी इनसे करवाई थी, तो उन्होंने बोला कि एक अच्छा सा एक रोल है इसमें ठाकुर का। बाकी मैं इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पता मुझे अभी तक, इतना पता कि मैं इसमें ठाकुर का प्ले कर रहा हूँ और अच्छा रोल है, अच्छा किरदार है, और मैं वैसे भी पहले भी कई फिल्में में सीरियल्स में और वेब सीरीज में करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ, और एक मौका मिला कि अच्छा रोल करने का तो मैं इनके साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ और हमारे जो डायरेक्टर हैं संजीव, क्या नाम इनका पूरा? संजीव संजीव जी, मैं इनका नाम आगे जो सरने में ना मैं भूल जाता हूँ, और बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर, इनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है, और जल्दी हम लोग शूट करने जा रहे हैं सेट पे, और बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों के माध्यम से लोगों को एक अच्छा मैसेज मिलेगा और एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है ये, जो एक 80s का दौर याद दिलाएगी, बहुत ही अच्छे गाने, बहुत ही मतलब मधुर गाने इसमें, और सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, गाने याद आएगा लोगों को। सर आप बताइए क्या प्लानिंग है फिल्म को लेकर, आगे का क्या शेड्यूल है आपका? फिल्म प्लानिंग तो पूरा हो चुका है हमारा, थोड़ा परमिशन में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि अभी वो चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था, इस वजह से मैंने 21 तारीख को डीएम साहब को दिया था एप्लीकेशन, और डीएम साहब के मुलाकात भी हुई तो बोले 100% आपकी 1 महीने के अंदर आ जाएगी, जैसे ही आती है वैसे तुरंत फिल्म शूटिंग चालू हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में ही करेंगे जहाँ पर हमारी जन्मभूमि है, जहाँ पे छुआछूत मानते ज्यादा वहीं पर पूरी फिल्म की शूटिंग है। सर जैसा कि आपने बताया कि अभी शूट होना बाकी है, शूट होना बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से आपने जात पात की बात की, छुआछूत की बात की, तो इस पे अभी के जो हालात हैं उसको कुछ दर्शाया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शाया जाएगा, वर्तमान में हालात चल रहे हैं आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल दर्शाया जाएगा, लेकिन एक जाति और जात के ऊपर खाली करेंगे, लेकिन उसके ऊपर नहीं करेंगे कि आप कौन कास्ट को क्या हो, ये नहीं करेंगे। लास्टली जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी इस तरह की फिल्म बनना, एक संदेश दे कि जात पात को लेकर जो विवाद होता है, जो भेदभाव होता है वो ना हो, कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज के दिन में क्या है, अगर कोई अभी अभी देहात क्षेत्र में बिल्कुल चल रहा है टोटल, उन्होंने अगर किसी ने दावत कर ली तो वो कहता है भैया क्या हलवाई लगा है, तब जाएंगे, कहते अच्छा, कहना अगर वो कहेंगे खाना हम बना के खिला दें, बोले आपके तो पानी भी नहीं पियेंगे, अगर गाड़ी लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी लेके जाते हैं तो कहते भैया ऐसा करो आप 100 रुपए खाने के अलग दे देना, ये चीज चल रही है, क्यों चल रहा है भाई, बहुत गलत लगता, बहुत गंदा लगता है। अच्छा जात पात पर कई सारी फिल्में आ चुकी है पहले की, तो ये फिल्म कैसे उससे अलग होने वाली है? ये फिल्म जो है जात पात आ चुकी है, लेकिन इस फिल्म की कुछ ऐसा है कि आपको देखने को मिलेगा कि देहात में कैसे करके लड़ाई होती है, क्या होता है। एक लड़ाई हुई थी, मैं आज बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता नहीं लेकिन बोल रहा हूँ, मैं बच्चा बनकर था, लमसम उम्र थी होगी मेरी 8 साल की, एक गांव था जो जाटम का था, पूरा गांव अभी भी है, और मेरा गांव था ठाकुर लोगों, लेकिन उसमें बहुत भयंकर लड़ाई हुआ था, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए आदमी, जमाना भी बदल चुका है, थोड़ा सुधार आ रहा है। अभी तो ऐसा है कि जैसा अभी आपने कहा कि गांव ग्राम से लेकर सीधे जिला तक, और अभी तो जिला भी नहीं होता, ग्राम की सीधे स्टेट लेवल में बात होती है, पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है, तो
ग्राम तो गांव तक चल रहा है, सिटी शहर में नहीं चल रहा है। आपको सिटी मालूम नहीं चलेगा कौन क्या है, हर कोई खा रहा है, सब कर रहे हैं। लेकिन देहात का एक बात बता रहा हूँ, जो फिल्म बना रहा हूँ बिल्कुल देहात की बना रहा हूँ, ठंड देहात की, अपने जो हो रहा है आज वो दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बात को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है, कितना उत्साहित हैं प्रोजेक्ट से ग्रुप के आप? सर सामने देखिए सर, इधर सेंटर से जी। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, जो मौजूदा हालत है उसमें ये फिल्म बनाई जा रही है। प्रेम धर्म, जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर संजीव त्रिनाथ, जो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, बहुत ही सेंसिटिव और डिसिप्लिन डायरेक्टर हैं, मैंने के साथ में बहुत काम किया, बहुत सीनियर डायरेक्टर हैं। और प्रोड्यूसर हैं मिस्टर संजय सक्सेना, जो पीलीभीत बरेली साइड में शूटिंग करेंगे सब लोग मिलकर हम, और मेरे ख्याल से इसके लास्ट वीक में, इस महीने के लास्ट वीक में हम शूटिंग कर रहे हैं। थोड़ी परमिशन की प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से लेट हो गई, नहीं हमारी 10 तारीख शूटिंग थी, और उसमें बहुत अच्छा मैं रोल कर रहा हूँ। इसमें कई राज मल्होत्रा जी एक्टर हैं, इसमें दीपक जी एक्टर हैं, इसमें हेमंत बिरजे साहब एक्टर हैं, इसमें और भी कई एक्टर हैं बॉम्बे से, प्लस जगह जगह के एक्टर हैं। इसमें बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, और इस फिल्म का जो थीम है, जो सरदार ने बताया, बहुत अच्छा थीम है इसका, और मेरा ख्याल से ये 15 मई तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उसके बाद में जो है फिर तो रिलीज होगी, हम सब लोगों की बल्ले बल्ले है फिल्म। बहुत अच्छी आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्या किरदार? मैं इसमें कहना चाहिए मार्गदर्शक हूँ, मतलब मैं एक ऐसा आदमी हूँ, एक सीधा साधा आदमी हूँ गाँव में, कि वो सबका मार्गदर्शन करता है, अच्छी बातें बताता है उसको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा रोल। बाकी तो मैं आजकल सब तरह रोल कर रहा हूँ, कभी हीरोइन का बाप, कभी हीरो का बाप, कभी और तरह के रोल भी मैं करता रहा हूँ लाइफ में, लेकिन इसमें रोल मेरा बहुत फैंसा है, स्टार्ट टू फिनिश है, तो मेरा बहुत अच्छा रोल है। इसमें और भी कई एक्टर्स हैं, हीरोइन हीरो काफ़ी लोग हैं इसमें, तो और मुझे जो फाइनल किया है वो संजीव जी ने फाइनल किया है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे डायरेक्टर मिस्टर संजीव त्रिनाथ, इन्होंने फाइनल किया, और प्रोड्यूसर साहब जो सामने खड़े हैं, आइए ना सर, आइए ना इधर, एक इधर लाना, इधर लाना कुर्सी, इधर बैठिए, कुछ कुर्सी लाना, वहां से लाना कुर्सी। हाँ जी, अब बहुत दिलेर आदमी है, अब बोलिए। हाँ हमारे दोस्त हैं मिस्टर संजय सक्सेना, बहुत दिलेर आदमी है, खर्चा मतलब पानी की तरह बात है। अभी हमको ये 10 अप्रैल को शिरडी के साई बाबा ले गए थे, पूरा खर्चा खाने का, पीने का, रहने का, सहने का सब वहीं पर किया, और बहुत एंजॉय किया हमने। अभी हम सुबह यानी 11 तारीख की सुबह लौट कर आए, क्यों सर? बिल्कुल, कितना मजा आया, अच्छा लगा, और हम पर ओम साई राम की कृपा है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का वहां पर, लेकिन बैठे बैठे बस आधे घंटे फाइनल हो गए और हम चले गए। राज मल्होत्रा भी हमारे साथ थे, जो इस फिल्म के मेन एक्टर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, और ओम साई राम भगवान शिरडी के साई बाबा पर मेहरबान है, हमको पूरा विश्वास है फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, और आपके डायरेक्शन का कमाल और आपके प्रोडक्शन का कमाल, और मेरा चूंकि मैं काफ़ी सीनियर एक्टर हूँ इस लाइन में, इसलिए मैं दोनों को शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि ये कामयाब भी हों, और इसके साथ में मैं भी थोड़ा बहुत लाइन में दोबारा से अपने चलने लगूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू, थैंक यू, नमस्ते। अब निर्देशक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? विषय तो काफी अच्छा है, जो निर्माता हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, कितना कितनी अच्छी बात है इसको लेकर। ये सब्जेक्ट हर कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता है, जैसा हमारे निर्माता ने उठाने की कोशिश की है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो आरक्षण को खत्म करने की बात करती है। हाँ बिल्कुल क्लियर बात है, आरक्षण खत्म होना चाहिए, हम लोग एक हैं, एक तरीके से एक नजर से सबको देखा जाए, और जो भेदभाव है वो खत्म हो, बस यही हम बात कहना चाहते हैं, और इस फिल्म के माध्यम से यही बताएंगे, यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये विवाद वाला विषय है तो आपको क्या लगता है? नहीं, विवाद नहीं है, ये विवाद की बात ही नहीं है, हर कोई अगर कोई भी हो वो यही कहता है कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए, अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बोलता है, भले वो आरक्षण ले रहा होता है लेकिन बोलता यही है कि नहीं आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि उससे दूरियां खत्म हो जाती हैं, वो एक बॉर्डर का काम कर रहा है अभी आरक्षण, वो अगर हट गया तो सब एक हो जाएंगे। आरक्षण पे तो फिल्म भी आ चुकी है प्रकाश झा की, बिल्कुल आई है, लेकिन अच्छा नहीं था उसका, नारी फिल्म अच्छी, बराबर है, बराबर है, बराबर है, लेकिन हम इसको कुछ अलग तरीके से इसको ट्रीट कर रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग है, मेकिंग अलग है, उनका ट्रीटमेंट अलग था, हम उन्होंने ट्रीटमेंट जो है ऊपर ऊपर दिया है, अभी आप उसको गहराई से देखेंगे, मैं इसको गहराई में जाके उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। जो राइटर हैं उमा शंकर जी, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है इसको,
और रमेश गोयल जी हैं जो सीनियर एक्टर हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। एक जैसा सौदागर में अनुपम खेर बताए थे, वैसा एक बाबा है जो केवल प्यार की बात करता है, कोई धर्म की बात नहीं, कोई जाति की बात, केवल प्यार की बात। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में ओटीटी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, एवरेज फिल्म को थिएटर में लाना, उसको चलाना, रिकवरी करना, वो कितना मुश्किल है। और क्या आप इतने साल से जुड़े हुए, आपको पता होगा आज का मार्केट क्या है। नहीं, मार्केट तो है, लेकिन मार्केट में मतलब लाने के लिए कुछ अच्छी चीज लाइए तो चलती है, ऐसा नहीं है। अभी आप देखने कश्मीर फाइल आई तो चली, क्योंकि कंटेंट ऐसा है, आप कंटेंट लाइए तो चलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा है। मैंने बॉडीगार्ड, बैंग बैंग, डिशुम, द्रोणा, हेलमेट, अभी मेरी दो फिल्में रिलीज हैं, दो वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। और संजीव जी के बारे में बता दूं कि हमारी फ्रेंडशिप पिछले करीब 10 सालों से है। और संजीव जी का कोई भी प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, छोटा हो, बड़ा हो, या कितना भी बड़ा हो, तो हम जो है साथ में काम करते ही करते हैं। ये हमारी एक इतनी अच्छी ट्यूनिंग है कि दो ब्रदर्स हैं, एक जिस्म दो जान हैं। और इस फिल्म के बारे में कहूँगा कि फिल्म जो प्रेम धर्म, तो इससे ही क्या नाम है, प्रेम और धर्म से ही पूरी फिल्म की कहानी पता चल जाती है कि प्रेम में कैसा शब्द है जो भगवान श्री कृष्ण ने किया और हर व्यक्ति, हर जीव जंतु करता है, कि प्रेम जब आपको किसी से हो जाए तो वो न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न क्या नाम है, लोग गोरे हैं, काले हैं, हरे हैं, पीले हैं, कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ प्रेम और प्रेम ही होता है। अब प्रेम से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं है। इस फिल्म में मेरे संजीव जी बहुत मतलब गहराइयों में जाकर के, जो आज भी 2022 चल रहा है, लोग बोलते हैं कि हम डिजिटल क्या नाम है युग में आ चुके हैं, नए युग में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी जाति धर्म कूट कूट के भरा हुआ है। तो उसी जाति और धर्म को एकदम गहराइयों से कि एक्चुअल हकीकत क्या है, अगर एक व्यक्ति के साथ में व्यवहार क्यों ऐसा करता है, वो भी इंसान, ईश्वर ने उसको भी दो हाथ दो पैर दिए, उसको भी दो हाथ दो पैर दिए, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में इस तरीके की गलत भावनाएं कैसे कर सकता है, उसी पे जो है ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और संजीव जी, नो डाउट, मुझे पूरा 110% यकीन है कि जो बारीकियां हैं जो आज तक शायद फिल्मों में नहीं दिखाई गई हैं, वो इस फिल्म के माध्यम से ऑडियंस को दिखाई जाएंगी। और रहा मेरे किरदार के बारे में, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं संजीव जी की हर फिल्म में मतलब शुरू से कर रहा हूँ, और मेरा भी करेक्टर पूरी स्टार्ट टू फिनिश बहुत अच्छा करेक्टर है, और आप लोगों को हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा, रुलाऊंगा और फुल मस्ती करते हुए, क्योंकि बोलते हैं ना कि ताश के पत्तों में जो है रानी का भी होना ज़रूरी है, और क्या नाम है, जोकर का भी होना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से फिल्म में हर एलिमेंट का होना ज़रूरी है। अगर आप हर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं तो हर फिल्म में हर कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। उसी तरीके से इस फिल्म को क्या नाम है, मैं हर कैरेक्टर, हमारे रमेश गोयल जी सर इतने सीनियर हैं कि हम लोग जब बचपन में हम लोग देखते थे, आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और हमारे बड़े भाई इधर बैठे हुए हैं, तो क्या नाम है, राज मल्होत्रा, हाँ राज मल्होत्रा जी, जी जी जी, हमने साथ में बहुत सारे काम किए हैं। तो नो डाउट फिल्म में बहुत अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, और प्रेम धर्म के ऊपर जो है एक अच्छी कहानी है, और लोगों को यकीन मानिए फिल्म पसंद आने वाली है। दीपक जी, जैसे भी आपने कहा कि प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती, जी सर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर, और दूसरी बात आपने कहा कि जात भी नहीं देखा जाता प्रेम अगर हो जाए तो, जी जी जी, लेकिन इसको डिफरेंट देखा जाए तो अगर किसी को प्रेम हो गया या कुछ हो गया तो उसको पॉलिटिक्स सबसे पहले उसमें परोसी जाती है। यस यस, ये नो डाउट इसमें मैसेज तो होगा वो, लेकिन अभी क्या संदेश देगा एक्चुअल क्या है। ये आपने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा किया, ये क्वेश्चन आपने मतलब ये कहानी, इसके पीछे ना राजनीति, आपने बोला मुझे राजनीति, ये जानबूझ के डाली गई है। जब से 1947 से देश आज़ाद हुआ ना, तो आप देखिए जब देश आज़ाद हुआ, देश को आज़ाद करने वाले हमारे क्या नाम है नेहरू जी थे, और क्या नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, अगर चाहते तो उसी समय आरक्षण ख़त्म हो जाता था। हमारा मेन मुद्दा था देश से अंग्रेजों को भगाना, मुद्दा ये नहीं था कि जातिवाद को अलग अलग धर्म में बांटना, ठीक है, लेकिन ये धर्म, ये जातिवाद उसी समय पैदा किए गए,
तो ये किसने पैदा किया? वो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि हम जो है अगर इन पांच लोगों को अलग अलग हिस्से में बांट देंगे तो ही मैं, मेरी पीढ़ी, मेरे दर दर दादा पर दादा, पोते पोती, हम इस चेयर पर बैठेंगे और इनको लड़वाते रहेंगे, इनसे इन जाति धर्म बांटते रहेंगे और इन्हें जो है क्या नाम है हमेशा हम ही राजा बन के बैठे रहेंगे। निर्देशक हैं, उनके क्या कहते हैं? विषय तो काफी अच्छा, आरक्षण को लेकर ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए क्या कहते हैं? ये सबसे पहले आप सबको नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। ये फिल्म जो है डायरेक्टर संजीव साहब के साथ मैं कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब है सक्सेना, गोयल साहब है हमारे, राज भाई है, बहुत सारे लोग हैं, आर्टिस्ट सारे पहचान के हैं। ये फिल्म में मैं मुखिया का रोल कर रहा हूँ, गांव का मुखिया। तो उसमें बहुत सारे रूप होते हैं, एक्शन है, क्या क्या होता है। मुखिया तो गांव का, फिर आप समझ जाओ ऐसा रोल है। अभी वो डिटेल बैठ के मैंने इनसे डिस्कस अभी किया नहीं है, लेकिन मुखिया का रोल है, अच्छा रोल है, मेन रोल है, मेन कैरेक्टर है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर। फिल्म की जान है ये। हाँ, नहीं तो ये भी कहना चाहूंगा, जो विषय है, विषय के बारे में बताइए कि ये विषय कितना ज्यादा संवेदनशील लग रहा है आपको, या कितना ज्यादा लग रहा है कि जब आ गए पढ़ने तो लोग कितना प्रभावित होंगे इस विषय को लेकर? सर, आज की तारीख में यही सब चलता है। मुखिया, मैं अभी एक पानीपत करके आया फरीदाबाद में, एक वेब सीरीज, उसमें भी मुखिया वही सब। और आप जाइए कोई भी स्टेट में जाइए, वहाँ मुखिया जो गाँव का होता है वो सब करते हैं, हेड ऑफ द विलेज है। हाँ, हेड ऑफ द विलेज है। अभी इन्होंने मुखिया का रोल किया था मेरे साथ, अमेजोन का प्रोडक्ट था जंगल गर्ल, अभी प्रीमियर हुआ हमारा। यस, तो मुखिया का रोल है, अच्छा रोल है, और आप लोगों की दुआ से हम अच्छा करेंगे। ओटीटी की बात काफी कर रहे हैं, वेब सीरीज की, तो कितना बड़ा माध्यम हो गया आज के दौर में, अगर कलाकार की बात करें और कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं उनको जी मिल रहा है? ये तो ओटीटी का मामला ऐसा है कि मुझे खुशी इस बात की ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। मैं तो कर रहा हूँ, अमेजोन की कर रहा हूँ, ऑलरेडी प्रीमियर भी हुआ है, और भी मैं कर रहा हूँ। इससे क्या हुआ, बहुत सारे आर्टिस्टों को काम, अच्छा काम मिला, काम बढ़ गया है, काम अच्छा मिल रहा है, खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, यू नो। पर ये नहीं लगता कि बड़े पर्दे पर जो कलाकार उसको देखता है तो वो अनुभव, और मोबाइल पे देखना जो अनुभव होता है? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ओटीटी जो है ना, आजकल टीवी कैसे निकले मालूम है, आप टीवी पे देख सकते हो। हाँ, आप लगाओ अमेजोन, नेटफ्लिक्स, टीवी पे देखो, बड़े जिनके घर में बड़ा टीवी हो, पिक्चर जैसे ही लगता है। और मेरी पिक्चर भी रिलीज पे, अभी सूर्या बहुत बड़ी पिक्चर रिलीज पे है, एक क्लास पिक्चर बनी है। पिक्चर साउथ की फिल्में जितना चलती है, साउथ में जो फिल्में चलती है साहब, वो लोग कमाल है। मैंने की, मेरी एक सिम्मा वहाँ बहुत बड़ी हिट हुई, सिम्मा, फिर और एक रवि तेजा के साथ की, वो भी हिट हुई। तो वो लोग क्या है, वो कमाल काम करते हैं, वो लोग प्रोजेक्ट पे इतने प्रोफेशनली वे में काम करते हैं। हम लोग शूटिंग करेंगे, जाएंगे, सर आपका पैकअप सुबह 6 बजे, सर कार इज रेडी। तो उधर मतलब ओनली वर्क, बाकी हमारे यहाँ कैसे बॉलीवुड में थोड़ा है, बातें बातें की, बैठे पार्टी की, सुबह आराम से 9 बजे उठे, 9 बजे काम सेट पे आओ, उधर ऐसा नहीं, सुबह 6 बजे आओ, 6 बजे गाड़ी रेडी रहती है होटल के नीचे। तो उनका अलग तरीका है ना। थैंक यू। ये तबस्सुम जी हैं, ये इसमें प्रोमोशनल सॉन्ग कर रही हैं, जिसको आइटम सॉन्ग बोलते हैं, वो इसमें है, वही कर रही हैं। जैसे नौटंकी हुआ करती थी गांव में, तो भाई नौटंकी के हिसाब से हाँ। मैं सबसे पहले संजीव जी का थैंक यू बोलना चाहूँगी, हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं उनका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, और मैं इनके साथ जुड़ के काम कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे। और इसमें जो मैं आइटम सॉन्ग कर रही हूँ तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे वैसे भी, मैं डांसर हूँ और मुझे डांस का बहुत शौक है। तो देखते हैं संजीव जी के साथ हम काम करेंगे अच्छा, और आप कुछ ना कुछ जरूर डेफिनेटली अच्छा ही होगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये पहला प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया है? हाँ, एक्चुअली मैंने इससे पहले सीरियल्स किए हैं, मैंने कुछ क्राइम शोज किए हैं, और मेरी एक वेब सीरीज और है जो डिजिटल फिल्म के लिए आने वाली है।
तो बैक टू बैक मेरा कुछ है प्रोजेक्ट, तो अभी जो है सिर्फ सर का प्रोजेक्ट है, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी।